शहर में 19 साल के एक युवक की हत्या हो गई। आरोपियों ने उसके पिता को भी बुरी तरह पीटा, जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई है। सूचना के बाद मॉडल टाउन थाना के अधीन आने वाली सेक्टर 3 चौक की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। रात में पिता के साथ रेड़ी पर था। मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी शहर के मोहल्ला बड़ा तालाब निवासी नरेंद्र सैनी काफी सालों से नई अनाज मंडी के गेट के सामने रोटी सब्जी की रैली लगाता है। मंडी में सरसों की खरीद शुरू होने के कारण किसानों की भीड़ देख गुरुवार की देर रात तक उसने अपनी अपनी रैली खोली हुई थी। रैली पर उसका 19 साल का बेटा दिव्यांशु भी था। 12वीं कक्षा के पेपर देने के बाद वह अपने पिता के ही काम में हाथ बांटता था। मामूली बात पर हुई कहा सुनी। नरेंद्र ने बताया कि रात करीब 1 बजे वह अपनी रैली के पीछे ही खुले होटल पर बीड़ी का बंडल लेने के लिए गया था। इस दौरान होटल चलाने वाले एक शख्स ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। इसी बीच उसका बेटा दिव्यांशु वहां पहुंच गया, जिस पर आरोपियों ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। नरेंद्र का आरोप है कि उसे शक है कि उसके बेटे के गुप्तांगों पर आरोपियों ने चोट मारी, जिससे उसकी मौत हुई। रात में ही सेक्टर 3 चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दिव्यांशु के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवा दिया है। आज उसके शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। नरेंद्र का कहना है कि 2 दिन पहले नगर परिषद के कर्मचारी होटल संचालक द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर उसे चेतावनी देने पहुंचे थे। आरोपियों को शक था कि उन्होंने नगर परिषद में सूचना दी है, जबकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, और इसी शक में उसके बेटे व उस पर हमला किया गया। अब दीपांशु क्या लगता है? फादर। क्या नाम अपना? नरेंद्र सैनी। नरेंद्र सैनी, क्या मामला था ये रात को? मामला कुछ भी नहीं था, खाली कंपटीशन का मामला था और कुछ भी नहीं था। उनका होटल नहीं चल रहा था, किराए पे लेकर उन्हें होटल कर रखा है, और मैं फिलहाल बीड़ी लेकर अंदर गया, उन्होंने मेरे को अटैक कर दिया। पहले उनने कर रखा था 4-5 जाने से बढ़े गए लेबर का, तो क्या नाम करूँगी। कौन लोग थे? 3 तो लेबर थी। नाम क्या था? लेबर का नाम नहीं मेरा जी, और एक तो उसका चाचा था जिसने होटल कर रखा था आजाद का चाचा, और दूसरा उसने कोई बंदा बुला रखा था। वो नहीं, मेरा बंदा कहाँ बाहर से कौन था, उसका गांव का था, कहाँ किसी ने अटैक करा, लड़के छिड़वान आए, मैं बाहर गया, बाहर जाकर मैंने की लकड़ी लुकड़ी लेके आऊँ, अंदर आए इतनी देर में 2 मिनट का काम में छोरे लंबा कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया। अब ये नहीं, मेरा चोट भी नहीं आई, आने पे लात मारी क्या मारी है, कुछ भी नहीं। मेरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मेरे पुलिस में रिपोर्ट कर दिया। आगे पुलिस पुलिस तो आज ही रात में आई, बंदा अरेस्ट कर लिया, दूसरा अभी है नहीं अरेस्ट, दूसरा साथ का तो अरेस्ट नहीं है। पहली वो जेल जा चुका है 420 केस में, गाड़ी डकैती में सजा काट का था, रन बंद है।